नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। यूपी के बरेली में डॉक्टर की लापरवाही का जानलेवा मामला सामने आया। अस्पताल के डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर की लापरवाही इतनी बड़ी है कि इससे साजिश की बू आने लगी है। 3 साल के बच्चे की जीभ के तुतलाने का ऑपरेशन करने की जगह बच्चे के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया, यानी बच्चे का खतना कर दिया। क्या यह धर्मांतरण का सबसे नया तरीका है? क्या ये जिहादी मानसिकता है? क्या है ये पूरा मामला और क्यों हम इसे साजिश बता रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ओ माय गॉड, ये धरती के भगवान हैं या शैतान? जीभ की बजाय प्राइवेट पार्ट का किया ऑपरेशन, खतना कर बच्ची को मुस्लिम बनाने की साजिश। क्या धर्मांतरण का यह है नया डॉक्टर प्लान? परिजनों और डॉक्टरों में कौन सच्चा कौन झूठा? डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा गया है। जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो समाज में एक मिसाल बन जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे नया बरेली से जो मामला सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। लोगों के होश उड़ गए हैं। ये लापरवाही है या साजिश, कई सवाल खड़े हो गए हैं। बरेली के स्टेडियम रोड स्थित एम खान अस्पताल में शुक्रवार को तोतलेपन का इलाज कराने के लिए आए बच्चे का खतना कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा वार्ड में लाया गया तो देखकर माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल संजय नगर का रहने वाला एक 2.5 साल का बच्चा बोल नहीं पाता था। किसी ने परिजनों को सलाह दी कि बेटे की जीभ का ऑपरेशन करा दें तो उसका तोतलापन सही हो जाएगा। सलाह पर परिजनों ने बच्चे को एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए करा दिया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बेटे का तुतलाने का ऑपरेशन करने के बजाय खतना कर दिया। मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं लगता है। मुस्लिम डॉक्टर ने हिंदू बच्चे के जीभ के ऑपरेशन की बजाय उसका खतना कर दिया। धर्मांतरण के कई मामले हमने सुने हैं, लेकिन जिहादी मानसिकता का यह सबसे नया तरीका लगता है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को मुस्लिम बनाने की साजिश है। हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हंगामा करने लगे। इस पर अस्पताल की तरफ से अपनी सफाई देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। यहां तक कि परिजनों ने आरोप लगाए कि मामले को दबाने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया गया। आइए ग्राफिक्स जरिए समझते हैं परिजनों और डॉक्टरों ने क्या क्या कहा। बच्चे के पिता का आरोप है कि जानबूझकर डॉक्टर ने ऐसा किया। अस्पताल वाले उन पर समझौते का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि डॉक्टर भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, निजात के लिए ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। परिजनों के कहने पर ऑपरेशन किया गया। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये जांच का विषय है। पुलिस ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस पर एसपी सिटी राहुल भाटी का क्या कुछ कहना है वो आप भी सुनिए। डॉक्टर एम ए खान हॉस्पिटल में परिजन अपने 2.5 वर्षीय बच्चे के जीभ के ऑपरेशन के लिए उपस्थित हुए थे। परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर ने जीभ के ऑपरेशन की बजाय 2.5 वर्षीय बच्चे का सर्कमसीजन कर दिया। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लगी। वैसे बच्चे को बोलने में दिक्कत होती थी और वैसे भी कोई भी माता पिता अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में डालकर डॉक्टर को बदनाम करने की साजिश नहीं रचेंगे। इससे साफ है कि डॉक्टर जरूर कुछ तो छिपा रहा है। पूरे मामले पर न्यूज वन इंडिया कई सवाल खड़े करता है और पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग करता है। पूछता है न्यूज वन इंडिया, बच्चे का खतना कौन सच कौन झूठ? जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना क्यों? क्या जानबूझकर डॉक्टर ने ऐसा किया? खतना करने के पीछे क्या है मकसद? क्या आरोपी डॉक्टर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई? वहीं बरेली में इस नए मामले को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश है। बरेली में खबर चल रही है, आपने देखी भी होगी, कि एक बच्चे का ऑपरेशन कराने गए थे 3 साल के जीभ का, और उस बच्चे की खतना कर दी गई। आपकी निगाह में पहले ये बताइए, सही है या गलत है? गलत है, और डॉक्टर ने ये बहुत बड़ा कांड करा है, अब इसमें क्या होना चाहिए? डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। आपकी निगाह में क्या लगता है कि क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर? मुआवजा देना चाहिए। किसको मुआवजा देना चाहिए? लड़के वालों को। बिल्कुल गलत है भाई, ये तो गलत मामला है जी। इनको जो है ना परिजनों को मुआवजा भी देना चाहिए और जो है इसके खिलाफ जो है ना
कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना है, डॉक्टर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जी। डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। हमने न्यूज देखी, बहुत अफसोस हुआ है न्यूज देखकर जी। तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को कोई सजा नहीं देनी चाहिए और डॉक्टर के द्वारा इसके परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। गलत है, डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, इन्हें बहुत गलत कहा। अच्छा, क्या मतलब क्या लगता है आपको, क्या इसमें बहुत बड़ी लापरवाही आ रही है? लापरवाही डॉक्टर की लापरवाही है जी, लापरवाही की वजह से ये हुआ, और वरना अगर लापरवाही ना करते तो सही करते। डॉक्टर को इसका ताकि और किसी के साथ ऐसा ना कर सके। देखिए, न्यूज़ देख के बड़ा अजीब लगा जी और बहुत बुरा भी लगा जी, क्योंकि ये काम डॉक्टर का नहीं है, डॉक्टर को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत ही घटिया ऊंची हरकत है जी। किसी बच्चे का, अगर वो बच्चा हो या बड़ा हो, जिस इलाज के लिए आया है वही करा जाए जी। किसी के साथ इतनी बड़ी, मतलब आप घटना कह लीजिए या दुर्घटना कह लीजिए जी, ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी है और बहुत बुरा काम है। डॉक्टर साहब को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। देखिए, मेरी नज़र में डॉक्टर को सजा भी मिलनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, हत्या के जो बच्चा है उसके माँ बाप को मुआवजा भी मिलना चाहिए और मुआवजा डॉक्टर के जरिए मिलना चाहिए, ना कि सरकार के जरिए। उन्होंने ऐसा किया है कि जबान का ऑपरेशन होना है और उन्होंने जो है उसकी खतने कर दी, तो ये क्या रहा होगा उनका, अब क्या उनका सोच रही होगी। ये तो खैर गलत किया, अब डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो उन्होंने ये गलती करी है, और अगर उनकी जो भी सोच रही होगी तो वो गलत है। जबरन तो मुसलमान होता ही नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जबरन कभी मुसलमान नहीं होता, और खतने करने से मुसलमान थोड़ी होता। अगर आप मेडिकल वे में देखेंगे तो खतना करना कोई बुरी बात नहीं है, खतना अगर हो जाता है तो वो बिल्कुल नीचे जो गंदगी रुक जाती है, कभी कभी क्या होता है आदमी टॉयलेट करता है और उसका जो कतरा है उसमें रह जाता है और उससे इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। हमने करना कोई साजिश जैसी कोई बात नहीं है कि ये कोई साजिश है, लेकिन अगर ऐसा उसने बगैर उनके परिवार के मर्जी के ये किया है कि तो बहुत गलत बात है। उन डॉक्टर को सज़ा मिलनी चाहिए अगर उनने उनकी बगैर मर्जी के ये काम किया है। डॉक्टर्स जो होते हैं समाज में, इनका एक अहम रोल होता है, और कहीं कहीं डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं कुछ लोग, लेकिन जिस तरह की ये बरेली से वारदात सामने आई है कि जबान की बात थी और खतना कर दी गई उस डॉक्टर के द्वारा बच्चे की, हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो ये काम किया है ये बहुत गलत किया है। ये काम करा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें समाज में दो ग्रुपों में बांट रही है आपस में, इसलिए जिसने ऐसा करा है हकीकत जान के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक मुस्लिम डॉक्टर थे, तो ये उनका एक एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है, और ये चीज़ हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। इसमें हमें समझना चाहिए कि ये जो हम पढ़े लिखे कौम जिसको मानते हैं कि डॉक्टर प्रोफेशनल एक उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है प्रोफेशनल, क्योंकि डॉक्टर हैं, उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन उनका एक हिडन एजेंडा है, वो अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, उनका कन्वर्ट करने का, उनको एक इस्लामिक कंट्री बनाने का देश को उनका एक प्लान है। ये तो एक लापरवाही क्या है, एक तो जघन्य अपराधी है एक तरह से देखा जाए तो, और इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। पीछे तो बस इस्लामिक बनाने का ही मुद्दा दिख रहा है मुझे, ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि मुस्लिम बनाओ। अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इतना लोग पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह से काम करेंगे तो क्या कहा जाएगा। अगर एक बार ये हो जाता कि कान जीभ की जगह नाक का कर देता या कान का कर देता तो ये मानवीय भूल में आ जाता, लेकिन आपने दूसरे अंग का कर दिया है, उसका खतना कर दिया, तो मतलब आप करना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं? बरेली के एम खान हॉस्पिटल में जिस प्रकार एक डॉक्टर ने हिंदू परिवार के बच्चे की तुतलेपन के इलाज की जगह उसका खतना कर दिया, किस प्रकार से हिंदू समाज के प्रति नफरत साजिश रची जाती है, इसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है। बरेली जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करें, और आज मैं इस मामले को लेकर के एडीजी जोन साहब से भी मैं मिलूंगा और इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए मांग करूंगा। ब्रजेश पाठक जी से भी मैं निवेदन करूंगा ऐसे अस्पताल को सील करवाने की।
कृपा कर। ये बहुत ही हृदयविदीर्ण स्थितियां सामने आ रही हैं। मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि किसी भी तरीके से इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत जो है उस अस्पताल का जो है पूरा कैंसिल करना चाहिए लाइसेंस, उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन इसमें सामने आए, ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी हम पूरी तरीके से कहेंगे कि किसी भी तरीके से इस घटना को, जो ये घिनौना, जो नफरत का ये नया तांडव हो रहा है, ये समाज में आया है, उसको रोकने के लिए पूर्ण रूप से कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई इस पर करें। वह तोतलेपन का शिकार था, उसका ऑपरेशन करने के लिए लोगों ने जब अस्पताल में दाखिल कराया, उसके बाद वहाँ डॉक्टरों ने अपनी जिहादी मानसिकता का परिचय देते हुए 2.5 साल के बच्चे के साथ जो घटना की है वह अत्यंत निंदनीय है। जीव के स्थान पर बच्चे के प्राइवेट पार्ट का खतना किया गया, यह निंदनीय है। ऐसी घटनाओं की हम भर्त्सना करते हैं और ऐसे डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बरेली मामला आया, निजी अस्पताल में बच्चे का जीव का ऑपरेशन होना था जी, लेकिन उन्होंने उसकी जो है खतने कर दी, क्या कह रहा है इस बारे में? नहीं, ये गलत हुआ, उसकी जाँच होनी चाहिए। जब जीव का ऑपरेशन है तो जीव का ही होता, उसका कैसे हुआ और गलती से हुआ है जानबूझ के करा, उसकी जाँच होनी है। अगर जाँच में दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। नहीं, उससे गलत जोड़ा जा रहा है ना, हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ा जा, अगर उसने कसूर बार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इसे इंसानी तौर पे देखा जाए तो गलती किसी से भी हो सकती है, यह इसमें कोई भी शक नहीं है कहने में कि लापरवाही तो हुई है, वो चाहे किसी भी एंगल पे हुई हो, डॉक्टर की तरफ से हुई हो या उनके स्टाफ की तरफ से हुई हो, लापरवाही हुई है। लेकिन इसे अगर धार्मिक नज़रिए से जोड़ा जाएगा तो वो सरासर गलत है। डॉक्टर सबका होता है, डॉक्टर तो उसे एक तरह से भगवान की उपाधि दी जाती है क्योंकि वो हम लोगों का जीवन बचाता है, तो वहाँ पर उसे धार्मिक नहीं जोड़ना चाहिए। गलती हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, अच्छे तरीके से उसकी जाँच होनी चाहिए। तो यही कहना है, जो वो सो गलत है, लेकिन डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, वो गलती है उसकी, किसे धर्म से ना जोड़ा जाए, और जो भी फैसला हो अच्छा ही फैसला हो, डॉक्टर से गलती होती है माफ़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा है वो गलत है जो भी किया। वो सर हिंदू मुस्लिम से नहीं जुड़नी चाहिए क्योंकि वो मौलवी नहीं है, वो एक डॉक्टर है, कोई भी धर्म का आता है तो उसकी हमेशा सेवा करता है। इसमें डॉक्टर का तो कोई धर्म नहीं होता और डॉक्टर भगवान होता है, गलती से उससे ये ऑपरेशन हो गया होगा बेध्यानी में। अगर ये बात हो भी गई है तो उसे इस बात पर कोई धर्म जाति में ना जोड़ा जाए। बाबा, ये जो बच्चे का खतना किया एमकॉन हॉस्पिटल में, क्या लगता है? वो गलत है, गलत तरीका है, डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों किया गया? क्या ऐसा तो नहीं धर्म परिवर्तन को लेकर के दिमाग में कुछ चल रहा? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, गलत है। डॉक्टर का तो भगवान का दर्जा होता है, कम से कम डॉक्टर को तो इस तरह के हरकत नहीं करना चाहिए। उसे धर्म, जाति, मजहब, इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। डॉक्टर तो सभी का होता है। बहुत गलत है, डॉक्टर को फांसी देना चाहिए। क्या तो ये है, नजाज बहुत गलत किया बच्चे के साथ। ये तो गलती ही हुआ है, ऐसा डॉक्टर लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर लोगों को। ये तो सामाजिक आदमी है और समान दृष्टि रखना चाहिए किसी के साथ में। उनके माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए था। सोच समझ के काम करना चाहिए था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर किसी मजहब और जाति का नहीं होता है, डॉक्टर को सभी भगवान मानते हैं। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है। क्या लगता है आपको, ये कृत्य एक डॉक्टर के लिए शोभा देता था? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं शोभा देता है। सान मोहम्मद जी, ये जो तुतने का ऑपरेशन कराने गया था और बरेली का जो हॉस्पिटल है डॉक्टर एमखान हॉस्पिटल, उसमें खतना कर दिया गया, इस मामले से आप किस हद तक सहमत हैं? क्या लगता है, ये सही किया? ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान को मानते हैं, भगवान से नीचे बस डॉक्टर को ही मानते हैं, अगर उसने ऐसा किया तो गलत किया है। अच्छा, आपके समझ में ये निंदनीय है जी। बरेली के जिहादी डॉक्टर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक ऐसा डॉक्टर जिसने जीव का ऑपरेशन कराने गए एक बच्चे का खतना कर दिया। हिंदू बच्चे का खतना करना क्या भूल है या साजिश? डॉक्टरी पेशे से जुड़ा व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या डॉक्टर ने जिहादी मानसिकता के चलते ऐसा किया? क्या धर्मांतरण और जिहाद के बाद इस स्तर तक हरकतें होनी शुरू हो गई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
बरेली में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। बरेली में बच्चे के खतना मामले में डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के आदेश दिए। अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर पर एफआईआर के आदेश दिए। आरोप सच मिलने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के भी निर्देश दिए। बरेली सीएमओ से 24 घंटे में मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। इसे कहते हैं खबर का असर होना, और यही न्यूज वन इंडिया का लक्ष्य है कि खबर भी और असर भी। अब बरेली के जिहादी डॉक्टर का इलाज होगा।